गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने ग्रामर में पहले चौथे वीडियो में नाउन फेस पे छोड़ा था, वहाँ से एक मिनट के लिए रिवाइज करते हुए आज हम बेहतर ढंग से उस नाउन फ्रेज को समझेंगे। अ नाउन फ्रेज क्या है, इसको जानने से पहले हमें ये पहले से एक जो फ्रेज क्या है उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लें। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट गिविंग पार्शियल मीनिंग। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सेंटेंस में पार्शियल मीनिंग देता है, कुछ अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है, यानी कि ये वाक्यांश के रूप में कार्य करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। अब चलिए दोस्तों, पहले हम नाउन फ्रेज की डिटेल में जाने से पहले कुछ नाउन फ्रेज की यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं वो क्या दिखला रहे हैं। पहले यहाँ मैंने डिफरेंट कलर्स के पेन से ये आपके सामने रखा हुआ है, ज़रा उनको देखने और समझने का प्रयास करेंगे, उसके पश्चात मैं नाउन फ्रेज को समराइज करूँगा। तो पहले मैंने अपने पहले वीडियो में ही जब ग्रामर की शुरुआत कर रहा था, अल्फाबेट शुरू हुए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये बताया था कि नाउन किस चीज़ का आंसर देता है। ठीक उन्हीं चीज़ों पे अभी हम गौर करेंगे कि नाउन फ्रेज भी लगभग उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता है। आ नाउन फ्रेज आंसर्स टू द क्वेश्चंस हु, व्हाट, टू हुम, फॉर हुम। लेकिन ये प्रश्न किस पे, अगर एक सेंटेंस में आप तलाश रहे हैं, ये प्रश्न रेज्ड ऑन अ वर्ब, क्रिया पर जब ये प्रश्न उठाएंगे तो आपको उत्तर के रूप में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज कहलाता है। अब हम यहाँ उदाहरण देखेंगे ये सारी चीज़ों के कि किस तरह, और जैसे हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि नाउन जो है एक सेंटेंस में या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यहाँ प्रोनाउन फ्रेज तो कुछ होता नहीं है, केवल नाउन फ्रेज है, प्रोनाउन से बनेगी तो भी वो नाउन फ्रेज में ही जाता है। तो यहाँ वो क्या है, जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज ही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है ही इज़, देखिए ही इज़ को मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, अ वेल्दी मैन को हमने रेड कलर से लिखा हुआ है। जो यहाँ रेड कलर में लिखे हुए हैं वो सभी इस पूरे उदाहरण में नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं, और जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं वो वर्ब्स हैं। उन वर्ब पर किस तरह का प्रश्न उठाने पर उनका उत्तर के रूप में ये नाउन फ्रेज आ रहे हैं। तो ये आपके नाउन फ्रेज की अवधारणा को क्लियर करते हैं। पहले देखिए ही इस पे क्वेश्चन हमने उठाया, व्हाट, वो है क्या है, अ वेल्दी मैन, मतलब अ वेल्दी मैन उस व्हाट प्रश्न का जवाब है। और अपन पहले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये देख चुके हैं व्हाट क्वेश्चन का आंसर जो देता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ अ वेल्दी मैन नाउन फ्रेज कहलाएगा। ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर द रियल असेट, असेट मीन्स धन, ऑफ अ नेशन। ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग और टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर, अब यहाँ इस आर पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, हु, तो हु आर द रियल असेट ऑफ अ नेशन। तो कौन है रियल असेट ऑफ अ नेशन, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ वो आ रहा है ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, टैलेंटेड स्टूडेंट्स। यहाँ वो ऑब्जेक्ट के रूप में था, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। व्हाट आर द हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, क्या हैं
तो आंसर उस वर्ड का है आर द रियल असेट ऑफ अ नेशन। तो द रियल असेट ऑफ अ नेशन यहाँ उसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूँकि वर्ड का जवाब है तो हमने यहाँ भी देखा था हु व्हाट टू हूम फॉर हूम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ये सब नाउन फ्रेज हैं। तो यहाँ ये नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। अगला हम थर्ड क्वेश्चन नंबर का सेंटेंस देखें, आई गेव, देखिए गेव को हमने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, द यमी डिश। अब अगर गेव पे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, तो उस व्हाट का जवाब क्या है, यमी डिश। अब टू द ब्लाइंड मैन, टू द ब्लाइंड मैन किसको दिया, टू द ब्लाइंड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर टू ईट, तो उसने दिया क्या दिया, यमी डिश। तो ये गेव का आंसर है। क्वेश्चन हमने वैसे भी रेज्ड ऑन अ वर्ब, ये वर्ब पे ही व्हाट का क्वेश्चन उठाए, यहाँ पर भी व्हाट का क्वेश्चन वर्ब पे उठा था, यहाँ पे हु और व्हाट का क्वेश्चन वर्ब पे उठा, ठीक उसी तरह यहाँ गेव जो वर्ब है उस पर व्हाट का क्वेश्चन उठाए और उसका जवाब है द यमी डिश। दिया क्या दिया, द यमी डिश। किसको दिया, टू हूम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टू हूम का आंसर दे रहा है टू द ब्लाइंड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, तो टू द ब्लाइंड मैन। तो ये ब्लाइंड मैन क्या है, उसका नाउन फ्रेज है, किसको दिया, टू हूम, ये टू हूम का जवाब है। अब अगला है ही ब्रॉट अ चेयर फॉर द इंजर्ड ओल्ड मैन। अब यहाँ ब्रॉड देखिए ग्रीन कलर में है, क्वेश्चन ये आपका वर्ब है, उस पर क्वेश्चन उठा व्हाट, उसने वो लाया क्या लाया, आ चेयर। तो ये चेयर भी यहाँ पर क्या है आपका, जो है वो नाउन फ्रेज के रूप में आर्टिकल के साथ लग कर आया, फॉर हूम किसके लिए लाया, फॉर द इंजर्ड ओल्ड मैन। तो द इंजर्ड ओल्ड मैन इस फॉर हूम का जवाब है, ये भी नाउन फ्रेज कहलाएगा। A man of sound health is a man of wealth. A man of real wealth भी लिख सकते हैं। तो एक स्वस्थ आदमी एक ही सही धन है। तो जो स्वस्थ आदमी है वही क्या है, आदमी सही धन है। तो यहाँ who is a man of wealth, तो इसका जवाब उस हु का जवाब है मैन ऑफ साउंड हेल्थ। अब व्हाट इज ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ। तो यहां व्हाट और हु दोनों का क्वेश्चन है, तो इस तरह अ मैन ऑफ साउंड हेल्थ एंड अ मैन ऑफ वेल्थ दोनों ही यहां नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं। आई कांट बिलीव इन, अब यहाँ एक चीज़ और देख लें, जो आई कांट बिलीव इन, मैं यकीन नहीं कर सकता, किस पे किस बात पे यकीन नहीं कर सकता, तो इन व्हाट। तो यहाँ प्रपोजिशन है, तो रेज्ड ऑन अ वर्ब एंड प्रपोजिशन पे भी एक क्वेश्चन उठता है। तो A single word spoken by him. A single word spoken by him in what? क्योंकि verb जो subject और object होते हैं वो दो ही चीज़ के होते हैं, या तो verb के होते हैं या preposition के होते हैं। तो यहाँ ये जो object है वो preposition का बन के आया हुआ है, तो इस तरह ये what का ही जवाब है, और इस तरह ये भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी नाउन फ्रेज कहलाएगा। बस यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन हो गया, और वहाँ वर्ब के थे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के। अब हम इसको बारी बारी देखें, ही इज़, ये इज़ अधूरा था, वो है क्या है, ये इज़ एम आर वाज वर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये आपके वर्ब जिनको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन के साथ रहते हैं, तो इज है, एम है, आर है, तो ये वाज, वर, विल, अगर इन चीज़ों के उत्तर के रूप विल बी
कैन बी, मतलब ये बी बी वर्ब के फॉर्म्स जो हैं अगर उनके उत्तर के बाद उस सेंटेंस को पूरक के रूप में आते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, यहाँ आर के पहले ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है पूरा काम, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए हमारे इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारी ये वर्ब है, वर्ब के पहले ये यहाँ पे पूरा इतना ही चीज़ जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन के आ रहे हैं, जबकि ये कॉम वर्ब था, ये भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में था लेकिन ये कंप्लीट नहीं था, उसको कंप्लीट इसने किया तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब हो गया। और यहाँ पर भी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मेन वर्ब के रूप में गेव है और गेव के ऑब्जेक्ट के रूप में आया द एमिडेस, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और टू हूम, तो ये एक दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक जो व्हाट क्वेश्चन का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह प्रपोजिशन, मतलब ये दो तरह के वर्ब के ऑब्जेक्ट के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में काम करता है। और फिर यहाँ पे भी हमने देखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर फॉर के बाद फिर वही आया टू हूम, टू हूम और फॉर हूम का जवाब के रूप में जब आते हैं तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो और यहाँ हम देखते हैं अगला, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और इज यर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दोनों के रूप में काम, जैसे इसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ठीक इसी तरह आई कांट बिलीव इन सिंगल वर्ड, तो ये यहाँ प्रपोजिशन के बाद वर्ड का क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। तो हम इस तरह ये समझ चुके हैं अभी आप दोस्तों, ये कलर मैंने क्यों किए हैं ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ग्रीन कलर से जो है, और क्वेश्चन किस टाइप के उठ रहे हैं वो भी हमने किस पे उठ रहे हैं, वर्ब पे उठ रहे हैं या प्रपोजिशन पे उठ रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या उठ रहे हैं उनको एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए उनको एक से कलर में दिखाया गया जिनका आपसी संबंध है। और जो नाउन फ्रेज हैं उनको हमने ग्रीन रेड कलर से दिखाया हुआ है, और ये ही और बाकी चीज़ों को हमने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। तो इस तरह हमारे अंदाज से आप समझ गए होंगे, तो हमें एक नाउन फ्रेज के बारे में कितनी बातें ध्यान रखनी चाहिए वो हम एक समराइज कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि नाउन फ्रेज के रूप में हमें कितनी बातों पे फोकस करना चाहिए। तो जो बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना है वो हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। पहले ये मैं हम आपको यहाँ पे बता दूँ, पहली बात आ नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, डज द वर्क ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। सेकेंड बात, क्वेश्चंस इट gives answers, अब वो लिखा हुआ है इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, पहले ही आपने बता दी किन क्वेश्चन के, तो हम इसमें ये देख लेंगे एक्ट कैसे कहता है, इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और द और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। ये एक सेंटेंस में किसकी तरह काम करता है, उस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो व्हाट का क्वेश्चन का एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट और हुम। व्हाट की तरह जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू हुम या फॉर हुम का आंसर देता है। अब कई जगह जैसे अब मैं साउंड मैन ऑफ साउंड हेल्थ इज़ अ मैन ऑफ वेल्थ इज़ व्हाट, तो ये इज़ अधूरा है, उसका जवाब तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाता है, उस वाक्य को पूर्ण कर रहा है क्योंकि। और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन मतलब जैसे ये है कि वहाँ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इस तरह हमने ये तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं कि वो नाउन की तरह काम करता है या प्रोनाउन की तरह है। तो ये नाउन या प्रोनाउन का वर्क करता है, तो यहाँ तो केवल वो क्या है। और दूसरा हमने क्या देखा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन के रूप में काम करता है। तीसरी बात, ये कौन प्रश्नों के उत्तर देता है, हु, व्हाट, टू हुम, फॉर हुम, जब वो प्रश्न किस पे वर्ब या प्रपोजिशन पर उठाए जाते हैं, किसी अन्य पर नहीं। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में नाउन फ्रेज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब मेरे वीडियो को आप गौर से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये कलर को देखेंगे, तो आपके अपनी जो नाउन फ्रेज की अवधारणा है वो क्लियर हो जाएगी। उससे पूर्व नाउन के बारे में क्या था वो अवधारणा भी स्पष्ट कर लें। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम कुछ अगले एडजेक्टिव क्लॉज फ्रेजेस के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।